अक्सर हम लोग सोचते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा भविष्य कुछ इस तरह का होगा, लेकिन ये सोचना गलत है दोस्तों। अक्सर उसका उल्टा ही होता है जैसा हम सोचते हैं। ऐसा ही कुछ आज की कहानी में देखने को मिला है। यहाँ पर एक औरत बड़ी मेहनत से अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करती है और वह बच्चा अंत के दर्जे अपनी ही माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ आता है। आखिर क्या हुआ था इस कहानी में, पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू सौरव और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पेज को फॉलो करना ना भूलें। आज की ये जो घटना है, यह है उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट से। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में किशोरी देवी नाम की महिला रहा करती है। उसकी नई नई शादी हुई है, अपने पति के साथ वो भरपूर खुश है, खुशियों के साथ उनका जीवन बीत रहा था। शादी को 2 साल हो जाते हैं और 2 साल बाद अचानक से किशोरी देवी का जो पति है वो किसी बीमारी के चलते गुजर जाता है। जैसे उसका पति गुजरता है तो उसको बड़ा ही दुख होता है। जिसके साथ जीवन बिताने के सपने देखे थे वो ऐसे आधे रास्ते में साथ छोड़कर चला जाएगा, ऐसा उसने कभी सोचा भी नहीं था। कुछ दिन बीतते हैं तो किशोरी देवी को पता चलता है कि मेरे पति का बच्चा मेरे पेट में है। अब किशोरी देवी यहाँ सोच लेती है कि मैं इस बच्चे को पालूंगी और इसी के सहारे अपनी ज़िंदगी को काटूंगी, क्योंकि वह अपने पति से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। वो सोचती है कि मेरे पति की निशानी मेरे पास है और मैं इस बच्चे को बड़ा करूंगी और ये बुढ़ापे में मुझे सहारा देगा। ऐसा सोचकर वो उस बच्चे की परवरिश करने लगती है। स्टार्टिंग के टाइम में तो उसके पास थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी थी तो उसे बेचकर उसका काम चल जाता है जब तक बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन उसके बाद उसे दूसरों के घर में काम भी करना पड़ता है, घर पे सिलाई भी किया करती है और छोटे छोटे मेहनत के काम करके वो अपने बच्चे की परवरिश करती है। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है, स्कूल की पढ़ाई करता है, स्कूल की पढ़ाई में वो काफ़ी अच्छा था। उसके बाद कॉलेज की पढ़ाई करता है तो किशोरी देवी को और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो वह और ज़्यादा मेहनत करती है और अपने बच्चे की फीस भरती है। बेटा कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद एक नौकरी पकड़ लेता है और अब नौकरी के बाद वो अपनी माँ का ख्याल रखने लगता है। माँ से कहता है कि माँ, अब तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने बचपन से तुम्हें देखा है, तूने इतनी मेहनत करके मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, तो अब मेरा फ़र्ज बनता है मैं तुम्हें अच्छी तरह से बैठा कर खिलाऊँ। लेकिन किशोरी देवी कहती है कि बेटा कोई बात नहीं, मुझे अभी थोड़ा थोड़ा काम करने दो, ऐसे एक साथ नहीं बैठते। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। अब किशोरी देवी को अपने बेटे की शादी की चिंता होने लगती है तो वह उसके लिए एक लड़की देखती है और पढ़ी लिखी लड़की देखकर उसकी उससे शादी करवा देती है। शादी होती है, शादी के बाद नई दुल्हन घर के अंदर आती है, खुशियों का माहौल था। किशोरी देवी भी बड़ी खुश होती है कि आज मेरे परिवार में 3 सदस्य हो गए, अब तक हम 2 माँ बेटा थे, अब धीरे धीरे परिवार और बढ़ेगा और मेरा मन लगने लगेगा, ऐसा सोचकर वो राजी हो रही थी। लेकिन अगले ही दिन जब सुबह सुबह होती है तो जो किशोरी देवी की बहू है वो लेट तक उठती है। किशोरी देवी सोचती है कि भाई नई नई जगह पर है तो इस वजह से इसको पता नहीं होगा, इस वजह से जो किशोरी देवी है वह घर का सारा काम कर देती है और वहाँ पर अपनी बहू के उठने का वेट करती है नाश्ता बनाकर। बहू उठती है और उठकर नाश्ता करती है और नाश्ता करने के बाद अपने पति के साथ घूमने के लिए मार्केट में चली जाती है। इन सभी चीज़ों को देखकर किशोरी देवी का दिल थोड़ा सा परेशान हो जाता है, हैरान हो जाता है। वो सोचती है कि ऐसी कैसी बहू मैंने अपने बेटे के लिए देखी है, ये तो मुझे ज़रा भी तवज्जो नहीं दे रही। इसके बाद उसकी बहू आती है, आने के बाद यही प्रोसेस बार बार होने लगता है। किशोरी देवी की बहू लेट उठा करती, किशोरी देवी जल्दी उठकर घर का सारा काम निपटाया करती और इसी तरह से उनके दिन बीतने लगते हैं। अब धीरे धीरे करके किशोरी देवी की उम्र ढलने लगती है और जो उसका बेटा था वो भी उस पर ध्यान देना बंद कर देता है। स्टार्टिंग में तो थोड़ा बहुत उसका बेटा उसका हालचाल पूछ लिया करता, लेकिन धीरे धीरे उसकी पत्नी के मुँह में आकर वो अपनी माँ से बिल्कुल नाता तोड़ देता है, उससे ज़्यादा बातचीत नहीं करता है। अब किशोरी देवी अकेले में बैठकर सोचा करती कि इस लड़के के लिए मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मैं चाहती तो उसी समय दूसरी शादी कर सकती थी, लेकिन इस बच्चे के लिए मैंने शादी नहीं की, मैंने सोचा कि बुढ़ापे में ये मेरा सहारा बनेगा और मुझे अच्छी तरह से रखेगा, लेकिन आज इसने अपना रंग दिखाया है, चलो कोई नहीं, कम से कम घर में रहने को तो मिल रहा है, ऐसा सोचकर वो किशोरी देवी वहीं पर बनी रहती है। अब किशोरी देवी काफ़ी ज़्यादा बूढ़ी हो जाती है और जो उसकी बहू है वो उसे रूखी सूखी रोटियां खाने के लिए दिया करती। उसके दाढ़ दांत कमज़ोर हो गए थे किशोरी देवी के, अब उन रूखी सूखी रोटियों को धीरे धीरे जैसे तैसे करके चबाती है, आंखों से आंसू निकलते रहते हैं और सोचती है कि अगर मैं अपने पति के साथ ही मर गई होती तो बहुत ही अच्छा होता। इसी तरह से दिन बीत रहे थे, तभी
एक दिन क्या होता है, जो किशोरी देवी की बहू है वो देखती है कि पड़ोस की एक महिला अपनी सास को वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए जा रही है। किशोरी देवी की बहू उसे देखती है तो उसके दिमाग में भी आइडिया आता है। वो सोचती है क्यों ना इस बुढ़िया को वृद्धाश्रम में छोड़ाया जाए, क्योंकि अब ये कोई काम धंधा तो करती नहीं है, ऊपर से इसकी रोटी और बनानी पड़ती हैं, ये बेमतलब की आफत हमारे गले पड़ी है। ऐसा सोचकर वो अपने पति से कहती है, और उसका पति भी इतना नीच निकलता है, जिस माँ ने उसको पाल पोस कर बड़ा किया वो उसको वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। उसका पति उसकी हाँ में हाँ मिलाता है, और दूसरे दिन जैसी सुबह होती है तो सुबह बहू अपनी सास से कहती है कि माँ जी चलो गाड़ी में बैठो। माँ जी सोचती है कि शायद आज ये मुझे तीर्थ कराने के लिए ले जा रहे हैं, क्योंकि अक्सर वो लोग कहीं जाया करते थे तो कई बार अपनी सास को ले जाया करते थे अपने साथ। लेकिन यहाँ पर बात कुछ और थी। किशोरी देवी गाड़ी में बैठ जाती है, उसकी बहू उसके सामान को एक थैले में भरकर अपने साथ ले लेती है। गाड़ी चलती है और जाकर एक वृद्धाश्रम के सामने रुकती है। वृद्धाश्रम के अंदर बहुत ही ज़्यादा बुजुर्ग लोग थे, और वे गाड़ी को देखकर बोलने लगते हैं कि एक और अभागा आ गया जिसके बच्चों से उसकी परवरिश नहीं हो पाई। ऐसा वो कह ही रहे थे तभी गाड़ी का दरवाज़ा खुलता है, उसके अंदर से बहू निकलती है और बहू के पीछे सास निकलती है, और बहू अपनी सास को लेकर वृद्धाश्रम के अंदर चली जाती है। वहाँ जाकर अपनी सास का नाम वगैरह लिखवा देती है, और लिखवाकर उस थैले को अपनी सास के हाथों में रखकर वहाँ से वापस चल देती है। किशोरी देवी वापस जाती हुई अपनी बहू और बेटे को देखती है और उसकी आँखों से आंसू की झड़ी बहने लगती है। लेकिन यहाँ पर वो कुछ भी नहीं कह पाती, वो ऐसे ही चुपचाप खड़ी रहती है। वृद्धाश्रम के अंदर जो और बुजुर्ग लोग होते हैं वो उसको सांत्वना देते हैं, उसको बिठाते हैं, खाना पानी खिलाते हैं और अच्छी तरह से उसका ख्याल रखते हैं। जैसे ही बहू और बेटा घर जाते हैं तो घर जाकर अड़ोस पड़ोस में ये बात धीरे धीरे पता लगती है। दो तीन दिन होते हैं तो अड़ोसी पड़ोसी उन दोनों को ताना देने लगते हैं और पुरानी बातों को याद दिलाने लगते हैं उसके बेटे को कि तुझे पता है कि तेरी माँ ने तुझे किस तरह से पाला है, दूसरों के घर में काम करके, झाड़ू पोछा करके, और उस पर पहनने के लिए चप्पल नहीं हुआ करती थी तो कूड़े की जगह से वो चप्पलों को उठा लिया करती और उनमें नई बद्दी गिरकर तुम्हारा भरण पोषण किया था उसने। अपने लिए कभी चप्पल भी नहीं खरीदी और तुम्हारे लिए स्कूल के लिए नई ड्रेस ली, रात रात भर कपड़े सीकर, रात रात भर काम करके दूसरों के घरों में। इस बात को सुनने के बाद उन दोनों को थोड़ी सी शर्म आती है और वो सोचते हैं कि भाई अब दोबारा से माँ को ले आया जाए, वरना ये लोगों के ताने हमें जीने नहीं देंगे। क्योंकि दोस्तों मोहल्ले के लोगों ने देखा था कि किशोरी देवी ने किन कष्टों से अपने बेटे को पाला है, और आखिर में उन्हें देखना पड़ा कि किशोरी देवी का बेटा उन्हें एक वृद्धाश्रम में छोड़ाया। इस चीज़ को देखकर लोगों का दिमाग खराब हो गया, इसी वजह से उन्होंने उसके बेटे को खरी खोटी सुनानी स्टार्ट कर दी थी। अब इस खरी खोटी के कारण वो लोग जाते हैं वापस से वृद्धाश्रम में, बहू जाती है, बेटा भी जाता है, तो बहू जाकर जहाँ पर सभी वृद्ध लोग बैठे होते हैं एक हॉल के अंदर, उस जगह के अंदर जैसे ही बहू एंट्री करती है तो वहाँ पर सामने देखती है, और जो चीज़ वो देखती है उसको देखने के बाद उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं। वो देखती है कि उसका पिता उस वृद्धाश्रम के अंदर बैठा हुआ है और उसकी जो सास है किशोरी देवी वो उसके पास बैठी हुई है, दोनों हंस खिलखिलाकर बतिया रहे हैं। इस चीज़ को देखने के बाद जो किशोरी देवी की बहू है उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है और वो जाकर भागकर अपने पिता से कहती है कि पिताजी आप यहाँ। पिताजी जैसे ही उसको देखता है तो उससे कहता है कि बेटी वहीं रुक जाओ, मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। तो वो कहती है पिताजी बात क्या हुई, तुमने मुझे एक बार भी नहीं बताया कि भैया भाभी ने तुमको यहाँ पे कर दिया है, एक बार मुझसे कहकर तो देखते, एक बार मुझसे फ़ोन तो करते। तभी उसका पिता फीके से मुँह से बोलता है कि बेटी तुम अगर इतनी अच्छी होती तो तुम अपनी सास को यहाँ पर छोड़ के नहीं जाती, मुझे तुम्हारे बारे में सारा कुछ पता है, तुम भी ऐसी ही निकली जैसा तुम्हारे भाई भाभी ने किया, वैसा ही मेरे बेटी दामाद निकले और उन्होंने मेरी समधन को भी इसी वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। वो तो कुदरत का खेल है जो हम दोनों इसी वृद्धाश्रम में आए। और वह पिता अपनी बेटी को फटकारते हुए कहता है कि तुम लोग क्या समझते हो, हम लोगों ने तुम्हें कितनी मेहनत से और कितने परिश्रम से पाला है, तुम इस चीज़ का ज़रा सा भी एहसान नहीं रखते, बस जैसे ही माँ बाप बूढ़े हुए तो उनको वृद्धाश्रम में छोड़ दिया, ये कहाँ की संस्कृति है, हमने तो ये संस्कार तुम में नहीं भरे, ये कहाँ से आए हैं आखिरकार। तो जो उसकी बेटी होती है वो लज्जित हो जाती है और शर्म के मारे मुंह को नीचे कर लेती है। अब जो उसकी बेटी है वो अपनी नज़रों को झुकाए हुए अपनी सास से कहती है कि माँ जी चलो हम आपको लेने के लिए आए हैं। इधर उसका जो पति था यानी कि जो किशोरी देवी जी का बेटा था वो भी आता और कहता है कि माँ घर चलो, हम तुम्हें वापस लेने के लिए आए हैं। लेकिन किशोरी देवी दोनों हाथों को जोड़कर उनसे कहती है कि बेटा बहुत हुआ, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती।
तुम्हारे वहां पर मुझे बासी कोसी रोटी खाने को मिलती थी, दो दो दिन का खाना मुझे खाने को मिलता था, यहाँ पर कम से कम ताज़ा खाना तो मिलता है और यहाँ पर मेरा मन भी लग गया है, अब मैं इन लोगों के साथ बहुत ही खुश हूँ और मैं यहीं पर रहूँगी। तुम ऐसा करो, जिस तरह से आए हो उसी तरह से वापस चले जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। अब इसके बाद वो दोनों अपने मुंह को लटकाए हुए अपने घर वापस आ जाते हैं और मोहल्ले वालों के ताने सुनकर वहाँ पर जीवित रहते हैं। ये थी कहानी एक बहू की जिसने आकर अपनी सास को वृद्धाश्रम में किया। वहाँ पर उसे उसका पिता मिलता है जिसको उसके भैया भाभी ने वृद्धाश्रम में छोड़ दिया था। तो आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।